तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते। वेद की शिक्षाएं कार्यक्रम में आप सब लोग के अभिवादन का थेजा। परमपिता परमेश्वर से ही प्रार्थना है कि आप जहां भी होइबा, जैसे भी होइबा, स्वस्थ होइबा, तंदुरुस्त होइबा और हमनी के साथ जुड़गल होइबा। भाई बहन लोग, यकीन माना आप लोग के पत्र पाके, चिट्ठी पाके बहुत अच्छा लगेला, कहे कि हर प्रोग्राम देखला के बाद आप लोग के आलोचना मिलेला और चिट्ठी के जरिए आप लोग अपन सवाल पूछेला जा। और जैसे कि जानते जा कि वेद सर्वभौम है और ओकर में परमात्मा के वाणी बातें और उ वाणी के माध्यम से आज से कब्जा अपन जीवन के सार्थक बनाए, ऐसा निगो पथ पे चले जहाँ पर ही सच्चाई के अलावा कुछ ना रहेला। बोलला जा कि जन धर्म के रास्ता है कठिन रहेला पर उ सबसे सुगम रहेला और जन मंजिल रहेला सबसे सुंदर रहेला। तो चला आज के कार्यक्रम में आप लोग के अभिवादन करते जा और आज हमने के मेहमान होवन आर्य सभा के बहन जी छोटी जी। नमस्ते। तो और स्वागत है कार्यक्रम में। धर्म जी नमस्ते, सब श्रोतागण के नमस्ते। और भाई बहन लोग, आज के कार्यक्रम में देखब जा वेद के आधार पर यज्ञ जुन है, कौन ची है और उकर महत्व का है। तो सबसे पहले बहन जी तौर से ये सवाल हम पूछब कि वेद के आधार पर यज्ञ जुन है उकर अर्थ का है। अच्छा, सर्वप्रथम हम लोग एगो मंत्र से आरंभ करब जा। ओ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमं। धर्म जी, है मंत्र वा ऋग्वेद के प्रथम मंत्र है। जैसे सभी लोग जाने लजा कि ऋग्वेद प्रथम मंत्र है, एक बोले लजा कि इस सबसे पुराना जो हमने के ग्रंथ है ये ऋग्वेद है और ये ऋग्वेद के प्रथम मंत्र है। और देखा था वह कि ये प्रथम मंत्र ही में शुरुआत ही में ये यज्ञ शब्द आता है। यज्ञ की बहुत बड़ा महत्व है। यज्ञ जो है वो एगो उत्तम कर्म है। हमने के ऋषि जी बोले हवन कि यज्ञ केवल ये बस स्वाहा स्वाहा करने ये भी यज्ञ है और साथ ही साथ जो हमने विद्वान लोग के सेवा सत्कार करी ल जा, जो शुभ गुण के दान करी ल जा, जब हमने लोगन के हर प्रकार के सुख पहुँचावी ले जा, ये सब यज्ञ है। लिखी ल जा कि सत्या प्रकाश में महर्षि दयानंद जी बोले लन कि विद्वानों का सत्कार करना, मतलब कि हर एगो जो विद्वान हवन कोई भी क्षेत्र में रही लेकिन वो जब अपन अच्छा से पढ़ लिख के और अपन जो शिक्षा बा वो दान देवता उससे पूरा संसार जो लाभ उठावता तो वो यज्ञ है। मतलब कि जिस चीज़ से वो कोई के लाभ होता, कोई के सुख पहुँचता, वो यज्ञ कहावेला। अर्थात बोले के मतलब है, यानी कि जब दान करत हुआ यदि कोई के ओकर से पुण्य मिला जाते, सुख मिला जाते तो वो एक प्रकार के यज्ञ भी हो जाला। और यज्ञ जो है हवन कुंड में अग्नि डाल के, अग्नि के प्रार्थना करके फिर ओकर में जो आहुति डाला जा, वो एक प्रकार के यज्ञ है। हाँ, तो यहाँ पर दो प्रकार के यज्ञ के बारे में हमने बोल लीजा। और यज्ञ जो हमने करी रजा, जो दैनिक हमने के यज्ञ है, वो पांच को महायज्ञ ओकर अनुष्ठान करल गल बाती। यानी कि पांच प्रकार के यज्ञ है। हाँ, जो है एगो प्रथम है ब्रह्म यज्ञ और इकरे ही हमने संध्या बोली लजा और इतना दैनिक करी लजा, रोज करी लजा, शाम के भी करी लजा, सवेरे भी करी लजा। फिर उसके बाद आवेला देव यज्ञ, यही जो हमने आहुति दे करके स्वाहा बोली लजा, हर एगो देवता के लिए हमने आहुति डाली लजा अग्निकुंड में। और फिर आवेला बलिवैश्य देव यज्ञ, यहाँ पर देखब कि यज्ञ के महत्व कि हर जो जितना भी पशु पक्षी है उनकर सेवा करल ये बलिवैश्य देव यज्ञ। और फिर बातें पितृयज्ञ, जो हमने अपन जीवित माता पिता के सेवा सत्कार करी ले जा, ये भी यज्ञ ही है। और फिर हमने देख ला जा जो सब लोग बोलेला अतिथि देवो भव, मतलब कि अतिथि यज्ञ ये भी यज्ञ के को अंग ही है। अच्छा, जानते जा कि एक बरिस में जिन बात 500 संसंग जुबा हमने के बोला कि धीर के बोला कि आज अपन घर में यज्ञ करते, पर यज्ञ जो है कब करल जाला? अच्छा,
यज्ञ जब भी हमने के मन प्रसन्न हो रहा तो हमने यज्ञ करी ला जा, ईश्वर के धन्यवाद बोली ला जा, वेद मंत्रों के पाठ करी ला जा। लेकिन एकर एगो विधान है कि हमने के रोज चाहना यज्ञ करे के। ई जोन ब्रह्म यज्ञ अभी बोल ली संध्या, ई हमने के रोज चाहला सवेरे और शाम के करे के। ई में का करी ला जा, ई में ब्रह्म यज्ञ में हमने अपन आत्मा के परमात्मा के संगे जोड़ी ला जा, तो एकरा ब्रह्म यज्ञ बोली ला जा। तो ई तो रोज चाही करे के। फिर दूसरा यज्ञ अभी बराबर देव यज्ञ जो अग्निहोत्र है, ई शुद्धि के लिए करी ला जा। मतलब कि जितना भी हमने अपन शरीर से जितना भी दुर्गंध निकाली ला जा तो ई वातावरण में फैलेला, तो यही जा करके बैक्टीरिया टॉक्सिन बन करके वातावरण में रहेला। जब हमने यज्ञ करी ला जा तो एकर जो यज्ञ के जो सुगंध उठेला, जो एकर प्रभाव पड़ेला, तो इसे जलवायु में शुद्धि आवेला। तो ई पवित्रता के कारण तो ये भी तो हमने के चाहे रोज के करे के, और माता पिता की सेवा भी तो रोज करी ला जा, फिर पशु पक्षी के भी तो रोज ही हमने करी ला जा, और फिर बाद में ये अतिथि भी जब भी आवलन, तो ये तो दैनिक करी ला जा। लेकिन हो सकेला कि हमने उतना ध्यान नहीं देवी ला जा कि ई यज्ञ है। और फिर हमने जो अग्निहोत्र जो हवन बोली ला जा, ई जैसे बोली जब भी मन प्रसन्न होवेला, ए गुलानी वैसे बा, ए गुलानी वैसे मोयाज बा, एगो एगो खुशी के एगो माहौल बा, एगो फ्योंसाई बा। फिर 16 संस्कार जो करी ला जा, इस 16 संस्कार में सब में बराबर यज्ञ चलेला। यज्ञ जब करी ला जा मतलब कि हमने अपने आप के, अपन मन, अपन बुद्धि, अपन चित्त के ईश्वर के संगे जोड़ करके उनकर आशीर्वाद के प्राप्ति की इच्छा रखी ला जा। अर्थात यज्ञ करे के कोनो निर्धारित जो है बखत नहीं है, यानी कि हम कभी भी सकावे को यज्ञ करे, और जैसे दवाई ले ला जा फजीर के एगो सांस के एगो डोज पर, वो यज्ञ के कोनो डोज नहीं है। जब तो हर मन चाही एगो यज्ञ करे के सकबा करे, और हर एगो मौका में सकबा करे। पर उस जो यज्ञ है कहाँ पर इच्छा करे के? इससे पहले हम थोड़ा बोला कि एक एगो नियम है कि सूर्य के उदय के बाद यज्ञ करी ला जा, और सूर्य अस्त के पहले ही हमने यज्ञ करी ला जा। और अभी जैसे बोला कहाँ हमने यज्ञ करी ला जा, तो यजुर्वेद में एगो मंत्र आवेला, और साथ ही साथ हमने यज्ञ में जब अज्ञा ध्यान करी ला जा, मतलब कि जब अग्नि के प्रज्वलित करी ला जा हवन कुंड में, तई मंत्रवा बोली ला जा। तब मंत्रवा इस प्रकार से है, ओम भूर्भुवस्वः यौरिव भूमना पृथ्वी ववरिम्ना तस्यास्ते पृथ्वी देवयजनि पृष्ठे अग्निम मन्नादमनाद्याया दधे। ई मंत्रवा में है शब्दवा आल है कि पृथ्वी यजनि और पृष्ठे अग्नि, मतलब जब बोली ला जा पृथ्वी और पृष्ठे, पृष्ठे बोला जा पीठ पर, तो पृथ्वी के पीठ पर हमने यज्ञ करी ला जा। मतलब कि पृथ्वी के पीठ पर हमने हवन कुंड रखी ला जा, और उसमें अग्नि को प्रज्वलित करी ला जा, और इसे स्वाहा करके हमने यज्ञ करी ला जा। स्वाहा का अर्थ है कि हम जो अपन मन में हमर बा और जो हम बोलत है वो सार्थक है। यही ये जो यज्ञ जो स्वाहा के अर्थ होवेला। तो देखी ला जा कि मंत्र ही में हमने के बोल दी बोला कि भूमना शब्द भी आलबा। भूमना मतलब कि हर प्रकार के जो हमने के सुख की प्राप्ति, हर प्रकार के जो ऐश्वर्य है, हर प्रकार के जो हमने के संतान भी है, जो हमने के प्रजा भी है, तो वो सब समस्त सुख के कारण ये पृथ्वी के पीठ पर हमने लोग यज्ञ करी ला जा। अब देखी ला जा कि जैसे अभी हम बोली सेवा सत्कार, और फिर विद्वानों को शुभ गुणों का जो दान है, ये सब यज्ञ ही है। तो ये सब तो हमने पृथ्वी ही पर करी ला जाना। मान ला कि हमने एगो एगो एवंशो होल कुछ भी एवंते कर ला जा, एगो एक जना एवंते कर लग, तो ये भी तो पृथ्वी के पीठ ही पर कर ला न। तो इसी प्रकार से कि पृथ्वी के पीठ पर हम लोग यज्ञ करते। और बहन जी हमने के ये बतावा कि यज्ञ की तैयारी कैसे होवेला, कहे कि आज हमने जा थे जा वेद के आधार पर ये सब सिखावल गल बा, वही साथ तौर से ये सब पूछे थे जा, ताकि हमने के जो दर्शक गण हो जा सकें जा एकर महत्व पर जाने, अपन घर में यज्ञ करे, और ओकर तैयारी जो असली तरीका है कैसे करल जाला। अच्छा जी, यज्ञ की तैयारी बहुत यज्ञ से बहुत पहले शुरू हो जाला।
पहले तो हमनी के चाहेला अपन जोन हमनी के जोन घर आंगन है ओके साफ करी ला जा, इतना सब कोई जानेला। लेकिन साथ ही साथ देखेला जा कि हमनी के चाहे अपन मन अपन बुद्धि के चाहलाओं के पवित्र रखे के। वैसे तो रोज ही हमें हमनी के बुद्धि और मन के पवित्र रखे चाहेला, लेकिन उस समय ज्यादा पवित्रता ज्यादा ही कुछ ध्यान देवे ला जा, क्योंकि ये यज्ञ जो है बोले ला जा उत्तम कर्म है, मतलब कि बहुत ही उत्तम कर्म है, इससे बहुत लाभ होएला। तो इकर तैयारी हमने अपन मन से भी करी ला सा, अपन बुद्धि से भी करी ला जा। अब ओकर खातिन हमने के चाहेला खरीदारी भी करे के, तो उ खरीदारी जोन करब सा हो पैसावा चाहेला शुद्ध एगो पवित्र प्रकार से जो मिलल पैसा, यानी कि ब्लैक मनी नहीं, यानी कि साफ पैसा जो मेहनत के कमाई से कमाई ले हुआ, ना कोई से चोरी कर लवा, ना कोई से छीन ले हुआ, और उके चला साफ पैसा जो नियत से अपन दिल से निकाल के इस्तेमाल करो। हाँ, और जितना हो जितना तोहर सामर्थ्य बा उतना ही करे चाहे। जब अगर हम सकत है एगो छोटा यज्ञ 10 लोगन के बीच में करे तो ठीक बा, अगर हम सकत है 100 लोगन के बीच में करे तो ठीक बा। एकर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है एपोतंस है कि हम अपन मन अपन बुद्धि को विशेष प्रकार से यज्ञ के करे के इमें डालत है, क्योंकि जब देखी ला जा यज्ञ में तीन गो विशेष चीज है। उमें एगो है जो बोली ला जा देव यज्ञ देव पूजा, फिर बा संगतिकरण, और उमें बा दान की भावना। तहे जब तीन गो एकर महत्व वा के जब लेवी ला जा ते इमें पवित्रता सबसे बड़ी बात हो जाला। तो घर आंगन के हमने पवित्र करी ला जा, मन बुद्धि के पवित्र करी ला जा। अब जो हमने के जगह जहाँ पर हमने यज करत है जा तो उकरा भी खूब निमन से साफ करेंगे करके, और उकर हवन कुंड, हवन कुंड भी देखे चाहे ला कि किस प्रकार के हवन कुंड हमने सेवी करत है जा। करते जोकर। हाँ, कोई मिट्टी के करेला तो कोई लोहा के से ये नहीं है, लेकिन देखी ला जा कि संस्कार विधि में स्वामी दयानंद बहुत विस्तार से समझेले हवन कि हमने के चाहेला किस प्रकार से हवन कुंड ओकर चमसा सब ओकर जन बर्तन है ओकर एक तो शुद्ध करके ओके साफ करके उ रखे के, और फिर देखी ला जा बहुत लोग यज करेलन तो उमें बालू डाल देवेलन जा, तो ये नहीं चाहेला, क्योंकि अगर बालू में या मिट्टी में डाल देला तो उमें अगर कीड़े मकोड़े उमें रही तो तू तो यज करे जब शुरू कर लो उमें अग्नि डाल लो तो उ वही में जल गल तो पाप हो गल तो पुण्य नहीं होल। बहुत जगह में दिखे ला जा कि हई होवेला तो ई चाहेला नहीं करे के, ई हमने कहाँ पुण्य करे जाते स तो उल्टा हमने से पाप हो जाला। इसीलिए देखते हैं देखी ला जा कि जब जब यज करी ला जा तो जल प्रोक्षण होवेला, जल के चारों ओर में हमने पवित्रता के साथ साथ ई एगो एगो प्रोटेक्शन है कि कोनो एगो चींटी जब आवता तो उपन्या देख करके हट जाए, वो अग्नि के पास में नहीं आए, ओके हानि नहीं हुई। तो जब हमने यज करी ला जा तो हमने के चाहना जाने कि हमने कोई के हानि नहीं पहुँचाओ जा, ई एगो पवित्र कार्य है। तो बहुत ध्यान दे करके पवित्रता। अब देखब जा ओकर कास्ट जोन है, ओकर कास्ट में भी देखी ला जा कि कबू कबू जब दुकान से आनी ला जाते उसमें छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा रहेला तो ओके छेड़ा खूब धूप में डाल देवे के, ओके खूब खूब ओके साकुए करके खूब ओके तापे कर करके सब ओकर कीड़ा मकोड़ा सब साफ करके पवित्र, तब हवन कुंड के पास में आनब जा। साफ बराबर सामग्री जोन है हमने के जोन सामग्री है उमें भी बहुत हमने के छाना ध्यान देवे के, क्योंकि ई जोन दान देवत है जा ई अग्नि में देवता के लिए दान देवत है जा, तो ई पर भी घर में बलिदान नहीं होवेला खाली दान दिया जाला। अब बलि चढ़ेबा ओकर में तब ओकर कोनो पुण्य ना मिली बल्कि ओकर उल्टा फल प्रभाव मिलेला। तो ई जोन हमने के सामग्री में उमें चार प्रकार के चीज डाली ला जा, और ई में है जोन बया जा रोगनाशक है, बलवर्धक है, मिष्ट है, और साथ ही साथ सुगंधित चीज है। जैसे शुरू में बोली तोरा कि यज्ञ से वातावरण की शुद्धि करी ला जा, तो ई जब सुगंध रहेला मिष्ट रहेला तो ई जा करके पूरा जोन हमने के वायुमंडल है एकरा शुद्ध करेला। पर जोन सामग्री जोन डाली ला जा ई घर पर बनेला कि जोन दुकान से खरीदा जा ओकर में सब रहेला। अच्छा जी, इस एकर भी चयन करी ला जा। जैसे हमने के छना देखे के जोन जोन हमने के सामग्री है वो बहुत पुरान नहीं रही, मतलब कि क्योंकि उस जो खरीदी रजा वो में भी हर प्रकार के
जोन सुगंधित चीज है वही में बा औषधीय गुण भी रेला कर हां लेकिन ई में कभी कभी जब बहुत पुरान हो जाला तो उकर जोन उकर वालिया हो पेजी हो जाला तो ई खातिन छना चयन करके और इसमें बहुत चीज जोड़ी लजा घर से जैसे अभी हम बोली कि जोन रोग नाशक अभी कैसे कोविड के प्रचलित जब रहा तो हमने घर घर रोज शाम सवेरे हमने अग्निहोत्र करी चली जा तो इनमें बहुत औषधिक वस्तु डाल चली जा रोग नाशक जैसे कि इलायची बा जेरोफ जो हमने बोला जा तुलसी के पत्ता बा पान के पत्ता बा सिट्रोनेल के पत्ता बा तो ये सब सुखल जो अदरक है जो है सब चीज हमने एक रास इकट्ठा कर ले ले रही जा जैसे सुनी जा कॉफिन में तो हमने सब के इकट्ठा कर ले लीजा और रोज इससे हमने यज्ञ करी खा लीजा ठीक यानी कि अपन घर में ही बैठ के सकब जा इस सामग्री के जो ना ओके बनाए ये जरूरी नहीं है कि दुकान में जो खरीदब जा कि वो अच्छा है नहीं साथ में खरीदे रंजा भी हाँ हमने मना नहीं करी लगा सकब जा इधर में है सब जोड़े लेकिन ये सब जोड़ दे लजा फिर देखी लजा मिष्ट मिष्ट इमें डाली लजा गुड़ इमें डाली लजा जो वैसा जिमेल मधु डाली लजा ये जो लालचीनी है लालचीनी डाली लजा तो ये मिठास पैदा करेला तो ये मिठास जो है ये हमने के जो पेड़ पौधा है ना एक आप सोबे करेला फोटोसिंथेसिस के रूप में तो ओके आप सोबे जब करेला तो मीठा फल दे मिला मीठा फल मिठास कहे कि धीरे बोला कि गांची में खट्टा फल ला तो चीनी डाल दो कर जड़ में तो फलवा मीठा हो जाए पर हाई एक प्रकार से यज्ञ करबो कर में शक्कर डलबे तो जो मिठास है फोटोसिंथेसिस के जरिए वो पेड़ों के आप सोबे कर ले मिला और एक ये हमने पर भी प्रभाव करेला जितना भी हमने रोग नाशक वस्तु में डाली जा अच्छा बल वर्धक जो है वह जैसे डाली लजा चावल दाल ये सब जो डाली लजा अच्छा अभी बात कर लीजिए आप बलवर्धक पर यानी कि चावल डालब दाल डालब तो ओकर से बल प्रदान करी अभी बोली जा कि चीनी डाल लीजिए तो मिठास भी आवेला अभी जो है घर के सुगंधित करे खातिर कुंज से कब जोकर में जोड़े हाँ सुगंधित के लिए जैसे हम बोली है कि इमें हमने इलायची डाली लजा फिर मैं लवंग डाली ला जा फिर सिट्रोनेल के पत्ता डाली ला जा और बहुत सी जो सुगंध फैलावे होला है तो इससे क्या होवेला कि वातावरण में जितना भी कीटाणु है ये सब एक्सपेरियंस करल है साइंटिफिक भी है कि इससे बैक्टेरिया लोग के यानी कि वैज्ञानिक तौर पर एक प्रमाणित करल गल बात है कि ये सब से जो बा कीटाणु नाश होवेला और देखी ला जा कि जैसे अभी तनी आगे बोली है कि यज्ञ में संगतिकरण भी है तो कैसे यज्ञ से हमने संगठित हो लजा एक तो हमने आमंत्रित करी लजा कोई के घर पर परिवार गण के फिर देखी लजा कबो सास और बहू में थोड़ा सा खिटपिट रहेला या कभी दामाद भी सास से तनी सुन रूसा थोड़ा नहीं हमेशा से ई रीच चला रहा बात की तो जब हम यज्ञ करी लजा घर में तो जा करके ई जो जितना जी जो बोले जा गाल फुलावल जो होवेला मन मुटाव तो मन मुटाव ई सब हटा करके हम एगो प्रेम भावना से एगो खुशी मन से जिसे प्रसन्न चित्त से आवीला जा यज्ञ में भाग ले वीला जा अब जब रसोई में पकावी ले जाते साथ दे करके वो प्रसाद जब बने रहते साथ ही साथ मिल करके तो दिखे जा कि सास और जो बहू के ऊपर रिश्ता में भी एगो संगतित मन मुटाव मिट जाला मिट जाला तो यज्ञ में संगतिकरण की बात आती है अब आपके घर में जो आल हवाने गो ब्राह्मण उनकर संगे जब आपके बाल बच्चा लोग जब बैठ करके कुछ एगो दुगो शब्द बातचीत होवेला तो यहाँ पति देखते हैं संस्कार बढ़ेला साथ ही साथ एगो जैसे वैसा जनरेशन गप के भी कमी हो जाला कि उमें जुड़ जालन जा कि बड़ा जो बातें वो छोटा के संगे प्रेम की भावना के संगे जुड़ेला और छोटा लोग भी अपन जैसे अपन अंदर के जो चिमिजीते बोली रह जा वो तनी सुन भूल करके तनी सुन प्रश्न उत्तर में अपन आपके तनी सुन उमें ज्यादा उमें व्यस्त हो जालन जा और अपन के थोड़ा अपन बुद्धि अपन अपन जो वो लोग के ज्ञान है ओकरा भी बढ़ावे लन जा तो आज हमने भौतिक युग में जिया थे जा जानते जा कि ये सब कोई व्यस्त बातें 99 के चक्कर में लगल है जा 99 रुपया बातें 1 रुपया जोड़ के ओके 100 रुपया बनावा 1000 रुपया बनावा यानी कि आज मनुष्य के जीवन जन बा खाना पीना सोना और तनाव के अलावा कुछ नहीं बातें जीवन में आज के जमाना में यज्ञ के कुन महत्व बातें इसकी आज भी यज्ञ के उतना ही महत्व जन पहले रहल और आज भी सकब जा यज्ञ के महत्व जन बातें सब तक पहुंचाई आज के युग में अच्छा देखा मनुष्य के लक्ष्य कौन सी है
सुख प्राप्ति सब कोई सुख के पीछे ही लौगता, लेकिन का होवेला हमने कहीं कहीं पर चुक गल है सर कि हमने सोची ला जा कि केवल भौतिकता ही सुख है, जैसे भी बोला 99 की छप्पर में तो हमने के है एगो छोटा तनी सुन को मान जा ज्ञान की कमी के कारण हो गल बा। अगर हमने सच्चा सुख अगर हमने सोचब जा का है सच्चिदानंद, हाँ सच्चिदानंद, तो ये परमात्मा का संग, इससे हमने के हर प्रकार के सुख प्राप्त होवेला। देखा धन जब बोली ला जा तो धन अनेक प्रकार के है, हमने के जो हमने के संतान है वो भी हमने के धन है, हमने के जो मोटर गाड़ी घर है वो भी धन है, धन ही है, लेकिन साथ में जो हमने के परिवार है परिवार भी एगो धन है। जब देखा कहूँ पर एगो ची प्रॉब्लम हो जाला तब बोले ला देखिए वो लोग एगो बड़ा परिवार है वन जा, तो ये जो परिवार का जो धन है ये बहुत भाग्यशाली लोग के प्राप्त होला। तो ये खातिर है ना ये छोटा मोटा बहाना से ये परिवार के हरदम जोड़े के, तो यज्ञ तो एक बहुत बड़ा ही बहाना हो जाला परिवार के जुटावे के। देखबा कि अड़ोस पड़ोस के बुलावी ला जा, साथ में भोजन करी ला जा, एगो समय साथ में बितावल जला, जैसे अभी बोला कि बहुत लोग व्यस्त रहेला समय नहीं बा, फिर भी जब यज्ञ करी ला जा तो हमने एगो समय निकाली ला जा और संगठित हो करके कभी समाज में भी जब यज्ञ करी ला जा तो गाँव के सब लोग आवेला समाज के सब लोग आवेला, संगठित हो करके उस समय सब कुछ भूल करके थोड़ा समय के लिए हम लोग सत्संग में बैठ जाते हैं, परमात्मा के संग में बैठ जाते हैं और इसे लाभ ही लाभ है। उस समय आप अपन स्ट्रेस भुला गल हो, आप अपन तनाव जोन बा अपन काम धाम के उस समय थोड़ा समय के लिए भूल करके ईश्वर में ध्यान लगेला तो इसे एगो शांति प्राप्त होवेला, इसे एगो अंदर से एगो आनंद प्राप्त होवेला। देखा एगो हम तोरा एगो बात बोलब, जब खूब भजन कीर्तन कर ले हव और जाके रात के जब सोवेला तब बढ़िया नींद आवेला, तो यही बतावेला कि हमने के आत्मा के सुख के लिए शरीर के सुख के लिए दौड़त है सर, लेकिन आत्मा के संतुष्टि आत्मा के शांति और आत्मा के सुख के लिए हमने यज्ञ करी ला जा। आज के युग में माफ़ करिया हम थोड़ा बहुत जैसे फॉर्म बचाएला कि कोनो भी व्यक्ति कोनो भी कार्य जब करेला तो उ सबसे पहले ई सोचेला एकर में हमार कौन लाभ बा। अब हम तुम्हारा से पूछा जब बुलत है जा कि यज्ञ जो है बहुत महत्वपूर्ण है चला यज्ञ करे के, तो चला वही सवाल हम पूछब यज्ञ से कौन लाभ होवेला। देखा अथर्ववेद में एगो मंत्रांश है बोलेलन की यज्ञ श्रेय परिभूषित, मतलब कि यज्ञ से हमने के बहुत लाभ होवेला। श्री बोलन जब श्री बोली ला जा तो श्री के अर्थ होगा लक्ष्मी, नहीं तो धन के प्राप्ति तो होवेला। फिर इसे जैसे अभी हमने बोली जा इसे शुभ गुण की प्राप्ति होवेला, जैसे अभी बोला है संस्कार, तो संस्कार हमने के केवल सत्संग ही में हमने के संस्कार मिली। हमने कहूँ जब जा काम के स्थल में या कहूँ पर जब जाते जा मॉल में हो जा अपनी तोहरा संस्कार नहीं मिली, लेकिन जब हमने यज्ञ के अनुष्ठान करी ला जा और जब विद्वान लोग हमने के घर पर आवे लन जा तब जब वो वेद के चर्चा करेलन तब वेद मंत्र के आधार पर, क्योंकि वेद मंत्र ही में सिखावेला वेद सिखावेला कि हमने के चाहेला किस प्रकार से जीवन ले चले की ताकि हमने के सुख प्राप्ति हो, तो ई यज्ञ करला से हमने के श्री की प्राप्ति होवेला, हमने के धन की प्राप्ति होवेला, हमने के सद्गुण संस्कार की प्राप्ति होवेला। तो जीवन में आगे बढ़े के हर प्रकार के हमने के जो रास्ता है ये वेद हमने के बतावेलन। अच्छा बहन जी हम तो अज्ञानी व्यक्ति है, हमारे लगे ज्ञान नहीं बा, मंत्र नहीं जानीला, मंत्र उच्चारण नहीं जानीला, जैसे बोला जा कालाक्षर भैंस बराबर, हमके मन बा अपन घर में यज्ञ शुरू करे के ओकर विधि का है कौन मंत्र चाहिए पढ़े के। अच्छा देखा जो व्यक्ति नहीं सकता बड़ा बड़ा मंत्र बोले बहुत ज़्यादा मंत्र बोले तो हम लोग वो गायत्री मंत्र को लेते हैं। गायत्री मंत्र वो वेद ही के मंत्र है और गायत्री मंत्र से हमने के बहुत लाभ होवेला। देखा गायत्री मंत्र में बोली ला जा धियो यो नह प्रचोदयात, नह मतलब मुझको, धी बुद्धि प्रचोदयात बुद्धि के मार्ग में मुझको प्रेरित करो, हे परमात्मा हमार बुद्धि के तू ऐसन बनावा
कि ई मेधावी बने। देखो बुद्धि चार प्रकार के बतावल गए बा, हमनी के ऋषि बोलेलन कि चार प्रकार के बुद्धि है। एगो जन साधारण बुद्धि साधारण व्यक्ति के लिए, फिर एगो मेधा बुद्धि मतलब जो आदमी पढ़ लिख के वो बुद्धि के अर्चन के ओके मेधावी बनावे लन जा, और फिर जोन बहुत ध्यान संध्या ध्यान करके वो लोग अपन प्रज्ञा बुद्धि से और जो और भी ऊपर ओकरा रितंबरा बुद्धि बोली ल जा। तब मेधावी बुद्धि नहीं भी हो तो गायत्री मंत्र तो बोले सकब जाना, तो ये गायत्री मंत्र से ही हमने अपन यज सकब जा करे। और विशेष हमने देखी ला जा कि कभी कभो हमने ये भी करी ला जा कि गायत्री यज्ञ ही करती है, मतलब कि शुरू से अंत तक हमने गायत्री मंत्र के जाप करी ला जा और आहुति डाली ला जा। यज्ञ के जो मूल ओकर लक्ष्य है वह ईश्वर के साथ जुड़ना और वातावरण की शुद्धि करना। तो जब हम बैठ करके गायत्री मंत्र कर रहे हैं तो अपने मन को अपन मन के ईश्वर संगे लगावत है जा, और साथ ही साथ जब हमने घी डालत है जा सामग्री डाला जाए थे जा और उकर जो काष्ट है विशेष जो काष्ट डाली ले जा, तो इस सबसे हमने वातावरण की भी शुद्धि करी ले जा और हमने के क्या कौन सी प्राप्त होवेला तो वह शांति मन की शांति। और बहन जी आज गुरु के तौर पर आर्य सभा से अला बहन जी छोटी जी कर जोड़ धन्यवाद तोहरा, और बड़ी साधारण रूप से जिन्हा बड़े अच्छे भाव से समझेला मी के बहुत बहुत धन्यवाद। भाई बहन लोग जैसे बोला जा कि वक्त कोई खातिर ठहरला नहीं, हम तो चाहती कि और भी यज्ञ के बारे में बचेती जा, और आज हमने कैसे को गुरु मिलल जो बड़ी आसान तरीका से समझेलन। जैसे बोला जा कि कबो कबो शब्द में उपावन आ रहेला, अस्त्र शास्त्र में उपावन रहेला जन यज्ञ में रहेला, और आज हमारी जन बातें भौतिकता में है जा हमेशा पाई खोजिला जा, कुछ पाई खोजत हुआ तय के गो तरीका बा वह यज्ञ कर, गुरु के शरण में जा और उनकर से पूछा कि सही मार्ग का है यज्ञ करे के। और हम परमपिता परमेश्वर से ही प्रार्थना करब कि यज्ञ के माध्यम से जिन को मिनिकाशों बैठेबा वो सफल हुई और तुम्हारा जीवन सार्थक हुई। तो पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आप सब कोई के वेद के शिक्षा कार्यक्रम के साथ निभला। आवत सप्ताह मिलब जा यही चैनल पर यही प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है वेद की शिक्षा है। तब तक खातिर आज्ञा द शुभरात्रि नमस्ते। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।